सवेरे से हम लोग सोच रहे थे कि आज डॉटर्स डे में क्या कर सकते हैं, बेटियों के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी तो 2-3 साल पहले हमारे घर में एक बेटी आई है, डॉक्टर सुरम्या सिंह, और आप लोग जानते हैं इसको। तो ये तो हम लोग बहुत धन्य हैं, और ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि एक बेटी हमारे घर में आई, पोसी जो पाली हुई बेटी आ गई। पोसी पाली हुई बेटी आ गई। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, और इस बेटी के साथ हम लोग पूरे दिन सोचते रहे कि आज डॉटर्स डे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर सुमन, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा क्या कि एक क्या मुस्कान रेनबो रेनबो मुस्कान खिलखिलाहट होम, खिलखिलाहट रेनबो होम। खिलखिलाहट रेनबो होम करके है, तो वहाँ आप आइए, आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये पटेल नगर में है, हनुमान मंदिर के सटे अंदर जो पटेल नगर में रास्ता गया है उसमें अवस्थित है, और नवीन स्कूल है तो उसी के प्रांगण में है। तो हम लोग वहाँ गए डॉक्टर साहब के कहने पे, डॉक्टर साहब भी हम लोगों के साथ थे। तो हम लोग कुछ फल, कुछ बिस्कुट, कुछ छोटा मोटा सामान और दवा वगैरह और नाश्ते का कुछ सामान, ये सब हम लोग लेके गए थे। लेकिन जाने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, वहाँ 60 बच्चे बच्चियाँ हैं। अच्छा, वैसी बच्चियाँ हैं जिनको लेकर के आमतौर पे रेड लाइट पे आप देखते होइएगा कि चौराहे पे माएँ अफीम चटा करके बच्चियों को कंधे पे रख करके उठते रहते हैं, छोटे बच्चे, और भीख मांगती हैं। उनके पास से बच्चों को लेकर के आना, बच्चे जो कचरा बीनते हैं वहाँ से बच्चों को लेकर के आना, कई बार वो एडिक्ट होते हैं बुरी आदतों का, और 6 साल से लेकर के और 18 साल तक। एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, तो चैरिटी करते हैं, तो उनके यहाँ लोग आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चों को और मरीजों को कई बार देखते हैं। 5 मिनट में उनका काम हो जाता है, कोई सर्जन होगा तो अपने यहाँ एडमिट करेगा तो सप्ताह दिन में वो उसकी छुट्टी कर देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करेगा। तब भी इस संस्था में जो बच्चा 6 साल की उम्र में आएगा वो 18 साल की उम्र में यहाँ से जाएगा। तो इतने लंबे दिनों तक एक बच्चे को पालना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसका एडिक्शन छुड़वाना, उसके आप सोचिए, अगर वो बच्चा उस स्कूल में, वो बच्चे उस स्कूल में नहीं आए तो उसका भविष्य क्या होगा? कभी भी किसी गलत हाथ में पड़ जाए वो तो जिंदगी भर कई कई बार उसकी मृत्यु होगी। तो वहां जाने के बाद हम लोगों को लगा कि साकेत जी सपत्नीक, पति पत्नी दोनों विगत 10-12 साल से इस काम में जुड़े हुए हैं, और बच्चियां इतनी खुश हैं, वहां खेल रही थी, और 60 बच्चियां। तो आज डॉटर्स डे के दिन हमने हमने क्या विनीता जी ने और सुरम्या सिंह ने, इन दोनों लोगों ने वहाँ पे जाके प्रण लिया कि वीकली यहाँ आया करेंगे, और इस 60 बच्चियों के लिए जो भी पर्याप्त औषधि होगा वो वहाँ पे हम लोग मुहैया कराएंगे, या जो भी और उनके जरूरत की चीजें होंगी हाँ से वहाँ बात करेंगे। उनसे बात करके। लेकिन हाँ सबसे पहला ये था कि मेडिसिन हाँ हम लोगों का जब तक जीवन है तब तक उस संस्था में जो भी दवा लगेगा, जिस बच्चे का दवा लगेगा, क्योंकि हम औषधि व्यापार से जुड़े हुए हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है फार्मास्यूटिकल्स की कई, तो हमारे लिए ये सहज है बच्चियों के लिए दवा उपलब्ध कराना। तो हम दवा उपलब्ध कराएंगे, अगर किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, अगर वो बच्ची अस्पताल में भर्ती होती है तो वो सारा मेडिसिन का खर्च हम लोग उठाएंगे। और इसके अलावा विनीता जी ने और मेरी बहू ने, इन लोगों ने सोचा है कि महीने में कई बार वहाँ जाएंगे, और जो भी वहाँ उनकी ज़रूरत होगी, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाना हो, चाहे पढ़ाई हो, तो उसकी व्यवस्था में पूरा सहयोग करेंगे। और साकेत जी से मिलकर के, जो कि वहाँ के संस्थापक हैं और देख रेख करते हैं, संचालन करते हैं, उनसे मिलकर के जो भी ज़रूरत होगा। तो ये आज डॉटर्स डे के डे बहुत ही सार्थक, हाँ बहुत ही हाँ स्पेशल। बहुत ही सार्थक, बहुत ही स्पेशल काम हुआ, और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट वहाँ जाके इस वीडियो के साथ हम लोग उस वहाँ पे जो गए हैं और जो हम लोगों ने देखा है, तो ये हम कोशिश करेंगे, टेक्निकली हम बहुत साउंड नहीं हैं,
हम किसी स्टाफ को देंगे तो वो उस कैसेट को भी, उस वीडियो को भी इस वीडियो के साथ अटैच करें और इसको हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। और हम जानना चाहते हैं विनीता जी से और डॉक्टर सुरम्या सिंह से कि इनको कैसा लगा वहाँ जा कर के, ये भी अपना अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करें। देखिए देखिए, बोलना मेरे लिए बहुत मेरी ये कला नहीं है कि हम कुछ बोल पाए बहुत अच्छा, लेकिन मेरा फीलिंग जो है बहुत ही सुकून वाला और आज के दिन के जैसा। पीछे भी कई बार हम ऐसा काम कर चुके हैं, लेकिन इन बच्चियों से मिलके लगा कि जैसे बहुत अच्छा लगा। स्पीचलेस। हाँ, पहले भी हम लोग कहीं कहीं गए हैं चैरिटी करने, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता था कई बार। इस बार ऐसा लगा कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, लगा कि बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है, बच्चे वाकई वहाँ पे अच्छे से ख्याल रखा जाता है उनका, और लगा कि कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए। ये कुछ रीजेंट्स हैं जो हम लोग यहाँ कभी कभार आए हैं। ये पहले उर्दू मारा है, इनके साथ बच्चों का एक दिन का पूरा वर्कशॉप हुआ था। ये लक्ष्मी पाल हैं जो फर्स्ट लेडी माउंटेनियर थी, वो आई थी। जो बच्चे मान लीजिए पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो वो उत्तर महारत या पटना कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं तो वो लोग कभी कभार सिखाते हैं तो ये लोग वो सीखते हैं। ये हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, इसमें जैसे एक्सटर्नल लोग होते हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ मतलब सिविल सोसाइटी से, तो उनको किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको कहाँ फ़ोन करना है, वो सारा फोन नंबर प्लान करके यहाँ पर रखा हुआ है। मान लीजिए कोई नया इन्वाइट भी है तो वो देख कर फटाफट कर लेगा तो उसको कहाँ फोन करना है। ये हमारा नॉन निगोशिएबल रूल है, जो ये जितने लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं इस रूल पर उनको साइन करना होता है। इससे एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, तो बच्चों को मारना नहीं है, बिल्कुल एक स्लैप भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टोटली लव का इन्वायरमेंट है, तो उससे अलग जाएंगे। किसी भी तरह गुस्से में ये नहीं बोलना है कि आप जहाँ से आए हैं वहीं हम आपको भेज देंगे या आपको हम गाड़ी से निकाल देंगे या इससे करेंगे, वो आपको डांट के लगाना नहीं है। Thank you.